आप देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल, मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। पुराना बाजार, डीएवी स्कूल और मैदान को बचाने के लिए अमरन अनशन पे बैठ गए हैं रंजीत परमार। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी अनशन पर बैठे रहेंगे। अभी तक रेल प्रशासन ने इस मामले पे कुछ आश्वासन नहीं दिया। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से रंजीत परमार किस तरह आंदोलन कर रहे हैं। नेशनल टुडे लाइव सरताज की रिपोर्ट। टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आपने 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन हो चुका है धरना पे बैठे हुए, क्या आपका रेलवे प्रशासन के द्वारा किसी चीज का आश्वासन मिला है? देखिए, रेलवे प्रशासन द्वारा कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है। कल जो आरपीएफ के कुछ पदाधिकारी आए थे और वो बात करके गए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, नंबर एक। नंबर दो, 4 दिन तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से जब कोई पहल नहीं हुई तो आज हमारा वो धरना प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील हो गया और तब तक ये आमरण अनशन चालू रहेगा जब तक रेलवे प्रशासन जो स्कूल का प्लेग्राउंड का पश्चिमी छोर है जो उन्होंने अपने डीपीआर में डाला था, उधर से रोड जब तक नहीं निकलती है और प्लेग्राउंड को जब तक मुक्त नहीं किया जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आप लोगों ने आज 4 या 5 दिन से धरना पर बैठा है, क्या आपको रेल प्रशासन द्वारा कुछ आश्वासन मिला? देखिए, रेल प्रशासन डीआरएम साहब आए थे, डीआरएम साहब ने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा था कि नोटिस देंगे परंतु कोई नोटिस अब तक नहीं आई है। कल आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के पदाधिकारी आए थे, उनसे बातचीत हुई परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आज से हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत हुई है और हम लोगों ने यहाँ पर एक संकल्प लेकर बैठा है कि जब तक ये जो मांगे हैं और ये मांगे हैं कि डीएवी 10+2 बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं उनकी जो ये खेल ग्राउंड है, जब तक इस खेल ग्राउंड को ये रेलवे और नगर निगम द्वारा जो एक साजिश के तहत इस ग्राउंड को जो लेने का जो कार्य किया है और इस से जब तक हम इस ग्राउंड को मुक्त नहीं करवा लेते हैं, जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आती है, मैं यहां से आमरण अनशन से उठने वाला नहीं हूं। ये मेरे अंतिम श्वास तक करो या मरो, या तो मैं अपनी मांगों को लेकर उठूंगा या मैं अपने प्राणों को देकर उठूंगा।